Hello everyone, welcome back to Financial Accounting. Today we are going to learn the easiest way to pass the journal entries. Journal entries ko kaise easiest way mein kare main aaj aap logon ko bataungi. Theek hai, ye aap video ko dhyan se dekhe aur share, like and subscribe karna na bhule. To sabse pehle journal entries kya hai? Journal entry actually bolte kise hain? Journal ka meaning kya hai? Journal matlab डे बुक और डेली रिकॉर्ड. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है, जो भी हम दिन में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली, हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम उसे हम जर्नल एंट्रीज कहेंगे. ठीक है, जो भी हम डेली रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को दो चीजें हमेशा याद रखनी है. पहला ये कि बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. बोथ आर वेरी सेपरेट टू ईच अदर, सेपरेट डिफरेंट है एक दूसरे से. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी. व्हाट इज बिजनेस? वेल, बिजनेस एंटिटी जहां पर बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग हो, हम उसे बिजनेस एंटिटी कहेंगे. बिजनेस एंटिटी इन अकाउंटिंग, बिजनेस इज ट्रेडर एज एन एंटिटी विच इज रिगार्डेड एज टू सेपरेट एंटिटीज. इट मींस दैट बिजनेस इज ट्रेडर एज एन एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोप्राइटर. हम बिजनेसमैन को प्रोप्राइटर कहेंगे, सोल प्रोप्राइटर, और एल्स ओनर. बिजनेस को हम कहेंगे फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी है वो बिजनेस रहती है. ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं. ओनर वो होता है जो हमारे बिजनेस को कैपिटल देता है. ठीक है, जो हमारे बिजनेस स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करता है वो है बिजनेस. चाहे बिजनेस ओनर ही बिजनेस चला रहा हो, वो भी बिजनेस को अलग और अपने आप को अलग ही मेंशन करता है. तो हम जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जो भी करेंगे, बिजनेस की करेंगे, बिजनेस ओनर की नहीं. ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखें. तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट रिकॉर्डर बुक कौन सी होती है? जर्नल एंट्रीज की होती है. तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सिस्टमेटिक मैनर में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. ये बात आप अच्छे से याद रख लें. देन नेक्स्ट थिंग, आप एक चीज अच्छे से जान लें कि जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं हमें दो चीजों का ख्याल रखना है. एक है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट. डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? ये है बिजनेस. देन ये है आपके बिजनेस का कस्टमर. ठीक है, जब भी आपके पास से कस्टमर कुछ चीज खरीदता है, जैसे कि आप एक ऑरेंज जूस बनाते हैं आपके बिजनेस में, आपके पास जो भी प्रोडक्ट वो होता है वो है ऑरेंज जूस. तो कस्टमर, आप ऑरेंज जूस की बोतल बेचते हैं 20 रुपीज में. ठीक है, तो ये है ऑरेंज जूस की बोतल जो आप बेचते हैं. अगर ये कस्टमर खरीदता है आपके पास से, तो आपके पास से जो आपका ये गुड्स है ये चले जा रहे हैं. ये 20 रुपीज के जो गुड्स है ये चले जा रहे हैं, और कस्टमर वो खरीद कर हमें क्या देगा, ऑब्वियसली पैसे रिटर्न देगा, पैसे देता है. ठीक है, जब वो पैसे देता है तो वो पैसे हमारे पास आ जाते हैं. जब कुछ चीज हमारे पास आती है तो वो डेबिट होती है, और कुछ चीज जो हमारे पास से चली जाती है वो क्रेडिट होती है. इन अ सेम वे बिजनेस कस्टमर, अगर आप कस्टमर के पास से जो भी है उसके पास से आप एक मशीन खरीदे, तो आपके पास इन क्या हुई, अंदर आपके पास क्या आया बिजनेस में, मशीन आई. तो मशीन हमारे पास डेबिट हो रही है,
और हमारे पास से क्या जा रहा है, आप उसको कैश पे करेंगे या बैंक से पे करें या चेक से पे करें, जो भी हो आपके पास से अमाउंट जा रहा है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज आप अच्छे से याद रखें। देन मैं आपको एक मेन चीज बताती हूँ जो आपको याद रखनी है अकाउंटिंग में, फाइव एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, पांच ऐसे चीजें जो कि जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सब्सिडरी बुक्स, हर चीज में आपको काम आएगी। वो रहती है फाइव एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये फाइव एलिमेंट्स क्या है, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन, कैपिटल, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये पांच चीजें आपको याद रखनी है। लाइबिलिटी किसे कहते हैं, जो भी आपके पास कर्जा है, जैसे कि आपने किसी के पास से कुछ मनी बोरो किया या आपने किसी के पास से कोई मशीनरी खरीदी क्रेडिट पर, आपको उसके पैसे पे करना है, वो हुई आपकी लाइबिलिटी। इनकम एंड गेन, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं आपको उससे जो प्रॉफिट होता है, या आप किसी चीज में इन्वेस्ट करें हैं, ठीक है, तो आपको उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा, या शेयर्स खरीदे हैं किसी के, उससे जो डिविडेंड आएगा, वो सारे चीजें इनकम एंड गेन्स में आते हैं। कैपिटल, कैपिटल वो होता है जो ओनर आपको देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो होगा कैपिटल। असेट्स, बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो या कोई इक्विपमेंट हो या बिजनेस सॉरी आपके बिजनेस का फर्नीचर हो, या आपको कहीं से अमाउंट आना हो, या आपके बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में कुछ कैश हो, बैंक में कैश हो, आपके हैंड में कैश हो, कहीं भी हो, ये सारी चीजें एसेट्स कहलाएंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस चलाने के लिए जो आपके एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि आपके पास जो वर्कर्स है उसको सैलरी पे करना है, आप जिस बिल्डिंग में चला रहे हैं शायद आपने वो बिल्डिंग रेंट पे खरीदी हो, ठीक है, सॉरी रेंट पे ली हो, तो आपको उसका रेंट पे करना है, या स्टेशनरी खरीदना हो बिजनेस के लिए, या कोई कंप्यूटर खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, जो भी होगा वो एक्सपेंस होगा, ठीक है। और लॉसेस, लॉसेस किसे कहेंगे, कि आपको किसी चीज में नुकसान हो, या जैसे कि एक बंदे ने आपके पास से कुछ सामान खरीदा, आपके पास से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे क्रेडिट पर, वो सडन आपको आकर बोल रहा है कि मैं वो नहीं दे सकता अमाउंट, तो वो हो गया आपका लॉस, दैट इज ऑल्सो नोन एज बैड डेट्स, ठीक है। ये चीजें आप अच्छे से याद रखिए, ये पांच एलिमेंट्स, फर्स्ट लाइबिलिटी एल, इनकम एंड गेन आई, कैपिटल सी, LIC, लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं कह रही हूँ मैं, ये अकाउंटिंग की LIC है, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन एंड कैपिटल। देन AE, AE भी अच्छे से याद रखें, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं आपको क्यों याद रखने के लिए कह रही हूँ, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये फाइव एलिमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, फाइव एलिमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट्स है। सी, मैंने आपको कहा था LIC और AE याद रखने के लिए। LIC लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन, कैपिटल। AE एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जर्नल एंट्री में दो चीजें बहुत काम आती है, पहली है LIC को कैसे यूज करते हैं। ये जो होता है इसमें मैं आपको दो तरीके से बताती हूं। पहला तरीका होता है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, इसमें भी डेबिट क्रेडिट, ठीक है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस में अगर कुछ चीज डेबिट होती है, मतलब कि बढ़ जाती है, जैसे कि आपने नई प्रॉपर्टी खरीद ली बिजनेस के लिए, तो आपका एसेट बढ़ गया, ठीक है, तो यह आपका लॉस है, कुछ आपको एक्स्ट्रा लॉस हो गया, या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे करना पड़ रहा है, जैसे कि आपने एक और बिल्डिंग रेंट पे ले ली, तो फिर से आपको एक्सपेंस पे करना है, कोई भी चीज इसमें बढ़ जाए तो क्रेडिट में वो चीज घट जाएगी, ठीक है। अगर वो चीज घटती है, जैसे कि अब डेबिट में ये बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, ये डेबिट में डालेंगे। अगर यही चीज घट रही है, जैसे कि आपका कोई एसेट है आपने बेच दिया, तो वो हम
क्रेडिट में लिखेंगे. अब इन द सेम वे, अब आपने एक लैंड परचेज किया, तो लैंड लैंड अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, लैंड डेबिट हो गया. अगर यही लैंड आपने सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, तो यही लैंड सेल करने पे आपको कैश आएगा और लैंड क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा. सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. वही यहाँ पर LIC में, ठीक है, कोई भी आपने खर्चा ज्यादा ले लिया, ठीक है, जब आप खर्चा ज्यादा लेते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है. अगर बढ़ गया तो क्रेडिट और अगर घट गया तो डेबिट, ठीक है. आप अच्छे से ये याद रखें कि अगर खर्चा आपका बढ़ गया तो आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और अगर घट गया तो डेबिट करेंगे. यही है इसका इजीली. जैसे कि अगर आपके पास कैपिटल है, कैपिटल अगर ज्यादा आ गया, ओनर ने आपको पहले आपको 5 लाख दिए थे, फिर से आपको 5 लाख ला कर दिए, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल को इसकी एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल, ठीक है. अमाउंट ज्यादा हो गया इसीलिए क्रेडिट में आ गया. सिंपल वे. अब उसी तरीके से अगर हमारे पास से ओनर कुछ लेकर चला गया, जैसे कि 5 लाख रुपए में से वो 1 लाख रुपए लेकर चला गया, ओनर अगर लेकर जाएगा तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेटा टू क्या लेकर गया, वो अमाउंट ले गया टू कैश अकाउंट, ठीक है. कम हो गया, 5 लाख रुपए में से ओनर आपका आया पर्सनल यूज के लिए, 5 लाख में से 1 लाख लेकर चले गया, तो आपके पास 4 लाख ही रह जाएंगे. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कैपिटल घट गया तो हम इसको डेबिट में लिख रहे हैं, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपको जर्नल एंट्रीज ईजी हो जाएंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जर्नल एंट्रीज इसी से रिलेटेड कैसे करते हैं, ठीक है. थैंक यू, होप कि आपको समझ में आया होगा.